ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, आज हम इसके बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे एनपीएस से ये किस तरीके से अलग है, क्यों लोग ओपीएस को वापस लाना चाहते हैं और क्यों एनपीएस के साथ नहीं रहना चाहते, क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या इसमें फायदे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। ओपीएस क्या है पहले ये जान लेते हैं। ओपीएस एक ओल्ड पेंशन स्कीम है जो 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को दी जा रही थी सुविधा। अब ये जान लेते हैं कि ओपीएस इतना न्यूज में क्यों रहता है। कई राज्य सरकारें तो ओपीएस को अपनाने के लिए विचार भी कर रही हैं और तो और कई चुनावी पार्टियों ने अपने घोषणाओं में ओपीएस को शामिल किया है। हालांकि सरकारी ऑफिस में बने हुए यूनियंस भी समय समय पर इस ओपीएस को वापस लाने की मांग उठाते रहते हैं। तो अब हम आगे जान लेते हैं ओपीएस, एनपीएस और एनपीएस की चुनौतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपीएस के बारे में। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। ये स्कीम रिटायरमेंट के बाद लाइफ लॉन्ग आपको एक आय देती है और वो जो आय देती है उसको हम पेंशन बोलते हैं। अब वो पेंशन कितनी होती है, वो पेंशन आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी से 50% तक होती है। ओपीएस के अंतर्गत जो भी आपको पेंशन मिलती है उसका सारा खर्चा सरकार करती है। इसमें कितना और कैसे योगदान देना है ये सब लाभार्थी के ऊपर डिपेंड करता है। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के दशक से पहले ये ओल्ड पेंशन स्कीम दुनिया के ज्यादातर देशों में अपनाई हुई थी, लेकिन इससे जुड़ी कुछ आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए धीरे धीरे एक एक करके सभी देशों ने इससे अपना हाथ खींच लिया और अब ये किसी भी देश में एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया में इसको 2004 से बंद करने का फैसला लिया गया। आज ये स्कीम एक दो राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य बंद कर चुके हैं। तो ये तो था ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। अब एनपीएस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में एनपीएस को शुरू करने का फैसला लिया। अब जब 2004 से एनपीएस लागू हुई तो 2004 के बाद से किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो 2004 के बाद मतलब 4 से लगे होंगे उनको ओपीएस का फैसिलिटी नहीं मिल रही होगी। लेकिन सशस्त्र बल आज भी ओपीएस के अंडर ही आते हैं, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम उनमें एप्लीकेबल आज भी होती है। और जितने भी नए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई 1 अप्रैल 2004 से ज्वाइन हुए होंगे उनके लिए ओपीएस का रास्ता बंद था, उनके लिए केवल और केवल एनपीएस का रास्ता ही खुला हुआ था। ये एक सहभागीदारी वाली योजना है, मतलब गवर्नमेंट आपके पेंशन फंड में जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी आपको भी सेम अमाउंट उसको मैच करना होगा अपने पेंशन फंड में। अब ये एनपीएस रेगुलेट कौन करता है, एनपीएस को रेगुलेट करता है PFRDA। जहां ओपीएस में आप 100% अपना सारा पैसा निकाल सकते थे, वो सब कुछ आपके ऊपर था कि आप उस पैसे का क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि आपको एक निश्चित राशि उसके बाद हर महीने मिलनी थी। लेकिन एनपीएस के केस में आप 100% रिटायरमेंट फंड को नहीं निकाल सकते हैं, उसका केवल 60% ही आप निकाल पाएंगे, वो पूरा टैक्स फ्री होगा। लेकिन जो बचे हुए 40% होंगे वो आपका टैक्सेबल होगा और उसको आप कभी निकाल नहीं पाएंगे, उसकी आपको एन्युटी प्लान लेनी पड़ेगी। कई सारे बैंक और LIC इंक्लूडेड ये आपको एन्युटी प्लान ऑफर करते हैं, आप इनमें से किसी का एक एन्युटी प्लान ले सकते हैं और वो टैक्स फ्री नहीं होगा। जो भी आप जिस भी स्लैब में आते होंगे उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा, जो ये रिमेनिंग 40% होगा। 60% जो आप विड्रॉल कर लेंगे वो 100% टैक्स फ्री होगा। और एनपीएस में एक चीज़ और भी है जी, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, आप प्राइवेट ऑफिस में हो या अपना अलग से ही कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हो एनपीएस का अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें 2 tier होते हैं, इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, मिलेगी तो लिंक दे दूंगा, वो आप बाद में जाके देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है इसमें। अब बात कर लेते हैं एनपीएस से उत्पन्न कुछ चुनौतियों के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ कर्मचारियों के संघ ये कहते हैं कि एनपीएस जो है ना वो एक रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉय की सामाजिक सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है, मतलब उसकी सुरक्षा एक तरीके से दांव पर लगी है। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एनपीएस ना एक तरीके से मार्केट लिंक्ड है। आपको नहीं पता है कि आप किस सिचुएशन में, कौन से टाइम में आप रिटायर होंगे, किस टाइम पे आपका क्या मार्केट वैल्यू निकल के आएगी। अगर एक अलग नजरिए से देखा जाए तो उनकी चिंताएं भी आपको जायज लगेंगी, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर मैं आपको कुछ सब पॉइंट बताता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आपको अपने कॉर्पस की एक तो चिंता रहेगी, दूसरा ये है कि आपकी राशि आपके चिंता पर नहीं मार्केट पर डिपेंड करता है। अब एनपीएस में ज्यादातर हिस्सा जो है ना आपका बॉन्ड्स में निवेश रहता है, लेकिन जब बॉन्ड की कीमतें अगर बढ़ती भी हैं तो भी आपको फायदा नहीं मिल पाता। ये वाला पॉइंट शायद आपको एक नजर में दूर से समझ ना आए, लेकिन एक मोटा मोटा ही समझ लीजिए कि अगर रिस्क आप ले रहे हैं मार्केट में तो उसका रिवॉर्ड भी आप लोगों को उतना ही मिलना चाहिए। एनपीएस वाले व्यक्ति के लिए अगर वो किसी प्राइवेट क्षेत्र में काम करता है या कुछ भी सरकारी में भी है मान लेते हैं, तो अगर नौकरी के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कोई खासा ऐसा कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। और अगर वो पूरी नौकरी कर भी लेता है तो उसके बावजूद उसको अपना 100% कॉर्पस नहीं निकाल पा रहा है, वो अपना 60% ही कॉर्पस निकाल पाएगा, 40% का उसको एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा और वो रिटायरमेंट में उसको उस एन्युटी की क्या वैल्यू मिलेगी ये तो भगवान ही जाने।
पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे, उनको उस पेंशन का 50% मिलना शुरू हो जाता था। आशा करता हूँ आज की ये OPS, NPS, कॉम्प्लिकेशंस, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, ये सब आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हूँ या आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आपका हमेशा स्वागत है। मेरा नाम है अमित ढौंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।